अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम यामाहा R6 2009 का माइलेज करेक्शन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ये एक्चुअल माइलेज है जिसको अभी रिवर्स करना है। तो सबसे पहले इसको हमें मीटर को खोलना है, उसके बाद हमें ढूंढना है कि इसकी इप्रोमाइसी जो है वो कहाँ लगी हुई है। यहाँ पर ये इप्रोमाइसी लगी हुई है इसकी, इसको हम यहाँ से निकालेंगे और प्रोग्रामर में हमें इसको लगा के उसको रीड करना है। ये प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर है, इसमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है हमें आईसी कौन सी है। सी को इसमें आईसी है 93C56 सेलेक्ट करना है और उसके बाद रीड करना है हमें। ये फ्लैश का बटन हमें दबाना है, लाजमी क्लिक करना है इस पर और देखना है कि आईसी डिटेक्ट हुई है या नहीं हुई। उसके बाद हमें यहाँ से रीड करना है इसको। रीड करने के बाद कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे माइलेज कैलकुलेशन होगा। ये कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है, इसमें सबसे पहले बाइक सेलेक्ट करना है, बाइक के बाद यामा है, यामा के बाद इसमें R6 ढूंढना है, R6 93C56। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जो इसके माइलेज हैं करंट अभी वो यहाँ पे पुट करने हैं इसमें, उसके बाद कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद इसको स्वैप करना है। स्वैप के बाद हमें ये रीडिंग प्रोग्रामर में ढूंढनी पड़ेगी कि ये वहाँ पे किस जगह पे, सिर्फ कंफर्म करने के लिए कि ये वाकई रीडिंग है भी या नहीं है। ये प्रोग्रामर में हम रीडिंग वो ढूंढते हैं, ये 1998E667, ये वाली वैल्यू जो है ये इसकी एक्यूरेट, ये जो भी करंट इसकी जो है वैल्यू है वो है, तो इसको चेंज करना है अभी। ये जो अभी अभी हमें अपडेट करनी है इसमें, रीडिंग जो रिवर्स करनी है वो इसमें हम पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 20,000 है तो वो हम इसमें वैल्यू डाल के कैलकुलेट करेंगे। तो अब जो वैल्यू आएगी वो हमें वैल्यू उठा के वो प्रोग्रामर में डालनी है, 40 और 48 जो वो लाइन है उन दोनों में। ये रीडिंग डाल दी 40 और 48 में किलोमीटर, नीचे वाले रेट जो है वो इसके माइल्स हैं। अब इसको हम करेंगे यहाँ से प्रोग्राम, प्रोग्राम कर दिया और इसको हमने कर दिया प्रोग्राम, तो प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल हो गई। अब इसको हम एग्जिट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये प्रोग्राम हुआ है या नहीं हुआ। रीड कर दिया, रीड कर दिया, ये जो वाली रीडिंग 047 FP18 किलोमीटर 0303 FC FC ये माइल्स।